चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। एक विद्यार्थी कितने दिन अनुपस्थित रहा, हमें उसका माध्य निकालना है। तो चलिए स्टूडेंट, हमें जो डाटा दिया गया है हम लोग उसको यहाँ पर राइट कर लेते हैं। हमें दिनों की संख्या दी गई। क्या दिया गया है? दिनों की संख्या। तो राइट कर लीजिए दिनों की संख्या। हमें दिनों की संख्या का अंतराल दिया गया है और विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। तो लिख लीजिए विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एफ आई। जो हमें वर्ग अंतराल दिया गया है इसको आप लोग राइट करिए। देखिए क्या दिया, 0 से 6। 0 से 6 विद्यार्थियों की संख्या 11 है। आगे देखिए 6 से 10। 6 से 10 विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 10 है। तो यहां पर राइट कर लेते हैं हम लोग 10 से 14। 10 से 14 विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 7 है। तुमने यहां पर 7 राइट किया। 14 से 20। 14 से 20 विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 4 है। आगे देखते हैं हम लोग 20 से 28। 20 से 28 विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 4 है। 28 से 38। 28 से 38 विद्यार्थियों की संख्या 3 है। और इसी तरीके से 38 से 40। 38 से 40 विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 1 है। तो स्टूडेंट हमें ये डेटा दिया गया, ठीक है। हमें जितने दिन अनुपस्थित विद्यार्थी, एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा हमें उसका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग इसका वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो चलिए हम लोग एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई इसे हम क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे में 2। लिख लीजिए तो हमारा एक्स आई होता है, इसको निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे में क्या है, 2। चलिए इसी को हम लोग यहां पर अप्लाई करते हैं। ये ऊपरी सीमा है, ये निम्न सीमा है। 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 को 2 से भाग दे देंगे 3 आ जाएगा। यहां पर देखिए 10 में 6 जोड़ेंगे, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, 10 6 16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा। यहां पर देखिए 14 10 24, 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 हो जाएगा। यहां पर देखिए 20 10 30 4 34, और 34 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 17। तो यहां पर आप 17 राइट कर लीजिए। 28 20 कितना हो जाएगा, 48। 28 20 48, और 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 हो जाएगा। आगे देखिए 38, और 38 में 8 जोड़ेंगे 46, और 46 में 20 जोड़ेंगे 66, और 66 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 33 आ जाएगा। 38 8 46 46 20 66, 2 से डिवाइड किया 33, 40 30 70 8 78, और 78 को हमें 2 से डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा, 39। चेक कर लीजिए 78 है, 2 से डिवाइड किया, 2 3 6 1 7 2 9 18, तो 39 आ गया। तो यहां पर हमने 39 राइट किया। अब इस तरीके से हमारे पास एक्स आई आ गया। तो स्टूडेंट ये जो डाटा जो आप एक्स आई और एफ आई देख रहे हो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो इसको हम लोग प्रत्यक्ष विधि से ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करने के लिए अगर हम लोग माध्य निकालने के फॉर्मूले की बात करें तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग उसको राइट कर लीजिए। प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है उसको आप लोग लिख लीजिए। माध्य निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है, एक्स बार इज इक्वल टू होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई।
तो देखिए हमें समेशन एफ आई एक्स आई चाहिए, और समेशन एफ आई एक्स आई निकालने के लिए सबसे पहले हमें एफ आई एक्स आई चाहिए। तो चलिए हम लोग एफ आई एक्स आई निकालते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा एफ आई है, यहाँ पर हमारा एक्स आई है। एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करिए, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 33, 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 अट्ठे कितना हो जाएगा 80, 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 सत्रह 84, 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 चौके क्या होता है 68, 17 चौके क्या होता है 68। और यहां पर देखिए 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 गुणे 4 करेंगे कितना हो जाएगा 96, तो लिख दीजिए 96 मल्टीप्लाई करके आप चेक भी कर सकते हो, 4 चौके 16 के 6 हासिल है, 4 दूनी 8 एक 9। अब देखिए 33 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 99। आप लोगों को टेबल याद होने चाहिए स्टूडेंट। 39 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 39 हो जाएगा। आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो फास्ट होनी चाहिए। चलिए हमारे पास एफ आई एक्स आई आ गया, तो इसके लिए आप लोग टेबल में कर दीजिए इसको। अब आप तो ऐसे टेबल बना लीजिए अच्छा सा, आप लोग अच्छा सा टेबल बनाइए एक ऐसे। चलिए हमने टेबल बना लिया है, और इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, समेशन एफ आई एक्स आई निकाल लेंगे। समेशन एफ आई निकालेंगे, सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में रख देंगे और इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग करना सीख लीजिए। चलिए अब लोग समेशन एफ आई एक्स आई निकालते हैं। समेशन एफ आई एक्स आई कैसे निकलेगा, इन सबको आप जोड़ लीजिए, जोड़िए 3 में 0 जोड़ेंगे 3, 4, 7, 8, 15, 6, 21, 9, 30, 9, 39 के 9 हासिल 3, 3, 3, 6, 8, 14, 8, 22, 6, 28, और 28 में 9 जोड़ेंगे 37, 37 में 9 जोड़ेंगे 46, और 46 3 कितना हो जाएगा 49। चेक कर लीजिए 3, 4, 7, 8, 15, 15 में 6 जोड़ेंगे 21, में 9 जोड़ेंगे 30, 9, 39 के 9 हासिल 3, 3 में 3 हमने जोड़ा 6, 8, 14, 14 में 8 जोड़ा 22, 6, 28, और 28 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 28 में 9 जोड़ेंगे 37, और 37 में 9 जोड़ेंगे 46, और 46 में 3 जोड़ेंगे 49, 499 आ गया। इसमें देखिए समेशन एफ आई क्या हो जाएगा, समेशन एफ आई आप लोग चेक कर लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा। यहां पर देखिए 11, 10, 21, 7, 28, 4, 32, 4, 36, 3, 39, 1, 40, तो हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट, हमारे पास 40 आ गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहां पर वैल्यूज रख देते हैं। समेशन एफ आई एक्स आई का मान कितना है 499, और यहां पर देखिए क्या है 40, तो इसको आप 40 से डिवाइड कर दीजिए। 40 से डिवाइड करिए, देखिए 49 में लेकर के जाएंगे तो 40 एक के 40, एक बार गया 9 बचा, 40 9 49 यहां पर हो गया 99, तो कितनी बार जाएगा दो बार। आप लोग इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए अगर ना कर पा रहे हो, तो इस तरीके से डिवाइड करिए 40 एक के 40, देखिए 9 49 यहां पर हो गया 99, दो बार जाएगा 40 दूनी 80, 10 90, 9 99, 19 99, दशमलव लगाइए, अब नहीं जा रहा, दशमलव लगाया तो यहां पर जीरो आ गया, 40 चौके 160, 40 पंचे 200, हमारा कितनी बार जाएगा चार बार जाएगा स्टूडेंट, कितनी बार चार बार, तो यहां पर लिख दीजिए 160, 30 90, ये हो जाएगा 300, तो 40 नवाई कितनी बार जाएगा आठ बार, सात बार जाएगा, सात बार लेकर के जाएंगे 280 जाएगा, हो जाएगा 20, तो बस हम लोग ज्यादा दूर तक नहीं लेकर के जाएंगे, यहां पर हो जाएगा 200, 40 पंचे 200, इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर लिख दीजिए, देखिए क्या है 12.475, और इसको हम लोग लगभग में लिख सकते हैं 12.48,
ठीक स्टूडेंट, तो हमसे क्या पूछा गया था आप लोग इसको देख लीजिए। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा हमें उसका माध्य बताना है। एक जो विद्यार्थी है लगभग 12.48 दिन क्या रहा अनुपस्थित रहा, 12.48 दिन, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, लिख दीजिए। अतः एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य, अतः एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य